हेलो बच्चों, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। गुड आफ्टरनून सुभाषी, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी के चैनल लेट्स क्रैक आईटी जैम में। बच्चों, माय नेम इज अमित कुमार तिवारी, आई एम एन आईटीटी अलुमनस, एक्स जियो साइंटिस्ट एट एक्सटी। आर यू साइंटिस्ट? बात करें रैंक्स की तो वो आपके सामने। अगर अनअकैडमी की बात करें तो वो आपको देता है डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस। साथ ही साथ हम आपको यहाँ पे फ्री में लाइव क्लासेस भी पढ़ाते हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चा, फ्री में। ये आपको ऐप पे जाके आप फ्री में देख सकते हो। इसके लिए बस आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे जाके अमित कुमार तिवारी को फॉलो करना है और उसकी उन ऐसे फिर आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हो। ठीक है बच्चा? और साथ ही साथ हम लोग पेड कोर्सेज भी होते हैं हमारे ऐप पे। पेड के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन के लिए सबसे पहले आपको लगाना है अमित अस कोड। ये कोड अमित अस क्यों? बिकॉज अमित इज माई नेम एंड इट इज नेवर अबाउट मी, इट इज ऑलवेज अबाउट अस। ये कोड लगाते ही आपको मिल जाएगा 10% ऑफ और 12 महीने की फीस हो जाएगी 9,000 रुपये, 24 महीने की फीस हो जाएगी 10,000। ठीक है? ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में आप इसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है बच्चा? और प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। अमित अस को जरूर याद रखिए, ये आपको 10% ऑफ तो दिलाएगा ही, मेरी मेंटरशिप में पढ़ने का मौका भी देगा। ठीक है बच्चा, चलिए कंटिन्यू कर। तो आज स्टार्ट करेंगे बच्चा एलाइड केमिस्ट्री। सही है, सही है। गुड आफ्टरनून विभूति, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक, अगर आप देखें तो इलाइड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वही समझा दे। ठीक है? इलाइड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वही समझा दे। जहां पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट में होते हैं, उन्हें बोला जाता है इलाइट। चलेगा कि नहीं चलेगा? सबसे पहले बात करते हैं, बहुत तीन तरह के लाइट जनरली हम लोग देखते हैं। पहला फॉस्फोरस इलाइट, लोग इसे ऐसे भी दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखना। दिस इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू दिस। ठीक है? यस, आप देखोगे तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस और नो?
इसको भी इलाइट की तरह ही ट्रीट किया जाता है, बट नॉट एग्जैक्टली इलाइट की तरह ही ट्रीट किया जाता है, नॉट एग्जैक्टली इलाइट। ठीक है बच्चा, बेसिकली क्या करते हैं, इसको इलाइट क्यों बोला जाता है, ऐसे कर ऐसे के कारण। देखो यस यस, तो इसको भी इलाइट की तरह ट्रीट कर लिया जाए, चलेगा। सेकेंड सल्फर इलाइट, सेकेंड सल्फर इलाइट, इसे बोलते हैं सल्फोनियम इलाइट। क्लियर क्लियर, थर्ड लास्ट इज नाइट्रोजन इलाइट। ये तीन तरह के इलाइट है जो हमें देखने थे, वो मैं लिखा। ठीक, चलो अब हम बात करेंगे सबसे पहले फॉस्फोरस इलाइड। अब फॉस्फोरस इलाइड में दो तरह के बोले जाते हैं, टेबल इलाइट। टेबल इलाइट तब बोला जाता है जी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप,
और अनस्टेबल इलाइट तब बोला जाता है जी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे CHO, NO2, CO या PH, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हाइड्रोजन या अल्काइल। तो इन्हें अनस्टेबल इलाइट बोल लिख लो। ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा। ये अनस्टेबल इलाइट और ये अनस्टेबल इलाइट और ये अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो स्टेबल इलाइट। यस स्टेबल एलाइड हमेशा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट देंगे। अनस्टेबल एलाइड काइनेटिक प्रोडक्ट देंगे। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो सारी जिंदगी सफल। गुड आफ्टरनून अरुण, लेट हो गए। अगर आपको ये समझ में आ गया ना बच्चा, आपको इलाइड केमिस्ट्री में, पूरी इलाइड केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं है। हमेशा याद रखना है, अनस्टेबल इलाइड हमेशा काइनेटिक प्रोडक्ट देंगे, स्टेबल इलाइड हमेशा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि स्टेबल की एनर्जी कम होगी, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और अनस्टेबल की एनर्जी ज्यादा होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। तो यहां पे कम एक्टिवेशन एनर्जी वाला काइनेटिक, मतलब वो जनरली काइनेटिक के थ्रू प्रोसीड करता है, और ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी वाला प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखता है। यस यस तो लेट्स सी। तो आपने यहां पे एल्डिहाइड रखा है, और यहां से आपका इलाइड आ रहा है अटैक करने के। तो अटैक करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो जी यहां से आए, या एक तरीका ये भी हो सकता है, दोनों तरीके चलेंगे। Yes? तो ये इधर से अटैक करेगा, ये भी इधर से ही अटैक करेगा, ये यहां से बॉन्ड खुलेगा,
पर दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है, दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहां पे इसकी रिपल्शन होगी, यहां पे जी जो है वो हाइड्रोजन को फेस कर रहा होगा। यस और नो? यस और नो? हाँ, अभी स्टार्ट होगी, अभी स्टार्ट होगी, मतलब अभी हम लोग इलाइड की ही बात कर रहे हैं। विटेक बहुत कुछ आ जाएगा उसके अंदर, चिंता मत कर। और यहां पे हाँ, ठीक है, यस यस, तो इनमें से काइनेटिक प्रोडक्ट कौन देगा ये बात बताओ। तो उसमें से काइनेटिक प्रोडक्ट कौन देगा? इनमें से काइनेटिक प्रोडक्ट कौन देगा? यस। यहां से एक बात की श्योरिटी मिली हमें कि ये केसीपी है। अगर ये केसीपी है तो टीसीपी कौन होगा? अगर ये केसीपी है तो टीसीपी कौन होगा? राइट वाले का कैसे बच्चा? राइट वाला कैसे बच्चा? हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट हो गई ना। जब ट्रांजिशन स्टेट हाई एनर्जी हो गई तो एक्टिवेशन एनर्जी भी ज्यादा हो गई। अच्छा, यहां पे अब ये होने वाला है किसका राइट किसका लेफ्ट, किसका राइट किसका लेफ्ट। तो ओके, तो मैंने जो बोला वो बात तो समझ में आई ना, ये केसीपी हो गया। ये बात तो सही है कि ये केसीपी होगा, ये बात तो सही है, ये केसीपी होगा, हाँ कि ना? तो आपने ये कैसे बोल दिया कि ये दूसरे वाला टीसीपी होगा? आपने वो कैसे बोल दिया दूसरे वाला टीसीपी होगा? बताइए, टीसीपी कैसे पता करते हैं? टीसीपी कैसे पता करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट से, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट से, हां कि ना? तो आपने प्रोडक्ट तो बनाया नहीं, तो आपने ये कैसे बोल दिया कि वो टीसीपी देगा? तो आपने ये कैसे बोल दिया कि वो टीसीपी देगा? ऐसे नहीं बता सकते। प्रोडक्ट बनाओ बच्चा, प्रोडक्ट बनाओ तब देखो। यस, तो 100 हॉर्स बना लेते हैं, समझ जाते हैं।
देखो मैंने आगे रख लिया PPH3, और यहां पे जैसे कि आप देख सकते हो पीछे है वो, तो मैंने इसको O माइनस मैंने ऊपर कर दिया। यस, और G की तरफ था हमारा R, और H इस तरफ। यस, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जल्दी बताइए, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जल्दी बताइए। ये ओरिएंटेशन में कोई प्रॉब्लम है? देखो बच्चा, मुझे 100 हॉर्स इसीलिए बहुत पसंद है, मुझे 100 हॉर्स इसीलिए बहुत पसंद है, साफ साफ पता लगता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मुझे 100 हॉर्स इसीलिए पसंद है, साफ साफ पता लगता है कि क्या होना चाहिए कि क्या नहीं होना चाहिए। अब मुझे ये बात बताओ, फॉस्फोरस यहां पे कौन बैठा हुआ है? फॉस्फोरस ढूंढ ढूंढ के ऑक्सीजन को लेके जाएगा, हाँ कि ना? अरे ऑक्सीजन की तरफ जाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, हाँ कि ना, जल्दी बताओ। ठीक है, तो घुमा के इसको ऑक्सीजन की तरफ लेके जाने की कोशिश, घुमा के इसको ऑक्सीजन की तरफ लेके जाने की कोशिश करो, तो इसको 180 डिग्री घुमा दो, सबको 180 डिग्री घुमा दो, क्या बन गया देखो? ये तो ऐसे का ऐसा ही रहा। ये सब 180 डिग्री घूम गया, यहां पे H आ गया, यहां पे भी। यस यस बच्चा, यस। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? अटैक कर देगा इसके ऊपर, और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, क्या बना देखो? यस यस यस। और आपको पता है ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा जल्दी बताओ मुझे? ये डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा जल्दी बताओ मुझे? करेगा कि नहीं करेगा? फॉस्फोरस तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है कि नहीं करता है? तो क्या होगा? तो बच्चा यस यस, और आपको क्या मिल जाएगा देखो? अभी ये दोनों एक दूसरे के क्या है? एंटी। यहां पे आपको मिल गई ई अल्की, यस यस यस। और जो ये बना है ना, ये यही
driving force of the रिएक्शन होता है। क्लियर क्लियर। तो अब मुझे बताइए, अगर यहां पे ई अल्कीन मिला है, अगर यहां पे ई अल्कीन मिला है, तो यहां पे क्या बनेगा? जल्दी बता दो मुझे, यहां पे अटैक से आपको क्या मिलेगा? वेरी गुड। चलेगा? और आपको ये बात तो श्योर है कि ये केसीपी, आपको ये बात तो श्योर है कि ये केसीपी, आपको ये बात तो श्योर है कि ये केसीपी है। तो ई और जेड में स्टेबल कौन ज्यादा होगा? ई और जेड में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जल्दी बताइए, ई और जेड में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? टीसीपी, टीसीपी, यस। तो ये टीसीपी हो जाएगा। तो अब यहां से जी हो जाता है। जी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, या जी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो यहां बनेगा टीसीपी मेट, और यहां बनेगा केसीपी। टीसीपी इज ई अल्की, एसीपी के डीएल की, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चा? इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चा? इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? विटिग रिएक्शन। तो कैसा लगा? और ड्राइविंग फोर्स क्या है इस रिएक्शन की? पी डबल बॉन्ड ओ, पी डबल बॉन्ड ओ इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द विटिग रिएक्शन। पी डबल बॉन्ड ओ इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ विटिग रिएक्शन, क्योंकि इट्स लाइक स्ट्रॉन्गेस्ट डबल बॉन्ड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कैसा लगा? तो कैसा लगा? अरे कैसा लगा? है ना, मजा आ गया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? अब हम देख के भी बता पाएंगे। लिख लिया सबने? तो सबने लिख लिया बच्चों?
प्रोडक्ट बता दो बच्चा, जल्दी से प्रोडक्ट बता दो, मेजर प्रोडक्ट बता दो। ई मेजर मिलेगा बेसिकली, तो इसको लोग ऐसे दिखा के यहां से चलेगा। नेक्स्ट
बताइए। बच्चा ये इतना सिंपल था, क्या कर रहे हो? देखो, इधर ये है और इधर ये है, हाँ कि ना? ये बल्कि हो गया, ठीक। तो बस आपको पता है, NO2 लगा दिया, बनेगा तो E ही।
ठीक है चले आगे चल। नाउ द प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम विद विटिग इलाइड इज प्रॉब्लम विद विटिग इलाइड इज इफ यूल सी रिएक्टिविटी ऑफ विटिगेलाइट डिक्रीजेस और यहां पे तो लगभग ना के बराबर हो जाता है। ठीक है तो क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर वो तो डीलोकलाइज हो ही रहा है फास्फोरस की तरफ, है ना। और तो इसके लिए बेंजल्डिहाइड से क्यों, अच्छा क्यों रिएक्टिविटी कम हो रही है? क्योंकि डेल पॉजिटिव जो है यहां जाते हुए डिक्रीज, इसने यहाँ पे प्लस आर शो कर दिया, प्लस आई, और इसने यहाँ पे प्लस आर शो कर। ठीक है तो इससे बचने के लिए हम लोग लेकर आते हैं HWE इलाइड, इसकी फुल फॉर्म होती है ये। हॉर्गर वॉट्सवर्थ एमन्स रिएक्शन, लिख देता हूं HWE की फुल फॉर्म, हॉर्नर वॉडवर्थ एमोन्स इलाइड। इसकी खास बात क्या होती है जरा आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे ये CH- CH- ही रखता है और ये यहां पे OET और OET ऐसे है। आपको सबको पता है ये भी यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, यस, ड्यू टू विच क्रॉस कॉन्जुगेशन हैपेंस और मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ऑन कार्बन, और साथ ही साथ COOET भी जोड़ देता है। COOET किसका काम करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपको क्या देगा? ई अल्कीन देगा। ई अल्कीन वर्ड थोड़ा सा ट्रांस अल्कीन देगा, ऐसे लिख लो ज्यादा अच्छा लगे, ट्रांस अल्कीन देगा, राइट। और यहां पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, तो अब ये इतनी ज्यादा हाई हो जाती है कैन रिएक्ट विद बेंजल्डिहाइड। तो अब वो वाला फंडा खत्म हो गया, कीटोन से रिएक्ट नहीं कर पा रहा सही से, बेंजल्डिहाइड से रिएक्ट नहीं कर पा रहा वगैरह। ठीक है बच्चा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज्यादा हो ही चुकी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज्यादा हो ही चुकी है ना। और अब ये बेंजल्डिहाइड से भी रिएक्ट करेगा और देगा क्या हमें? हमेशा ट्रांस एल्कीन, तो सिलेक्टिव भी है, और जो इसका बाई प्रोडक्ट होता है वो पानी के साथ वॉश भी किया जा सकता है बड़े आराम से। जो बाई प्रोडक्ट आता है वो पानी के साथ वॉश भी हो जाता है बड़े आराम से। ठीक, तो चलो रिएक्शन करते हैं।
यहां पे मुझे बताइए अटैक कहां करेगा, क्योंकि आपके पास दो साइट है, दिस इज साइड वन, दिस इज साइड टू, कहां अटैक करना पसंद करेगा? यानी वन इज एल्डिहाइड, वन इज कीटो। यहां पे प्रेफर्ड, यस। और आपको क्या देगा ये सीओईटी, ट्रांसल्गिन या ईएलगिन, जो भी आपको से। ठीक है, देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन निकलो और करो। सबसे पहले ये NaH यहां का प्रोटॉन ले जाएगा, राइट। फिर आगे ये अभी आपका इलाइड बन जाएगा। COET क्या करेगा, एल्कीन देगा या ट्रांसल्कीन देगा। ट्रांसफर क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो मैं आपको एक अलग से और क्वेश्चन देता हूं, मुझे एबीसी बता। एबीसी बताओ, एबीसी बताओ।
यस, ए तो चुपचाप SN2 रिएक्शन, तो ए बन जाएगा NO2 CH2 PPH3 पॉजिटिव। यस, ब्यूटाइल लिथियम आया, प्रोटॉन ले जाएगा NO2 CH- PPH3 पॉजिटिव। ये क्या बन चुका है अब, इलाइड। तो जो ए और बी है ना बच्चा, ए प्लस बी, दिस इज एक्चुअली प्रिपरेशन ऑफ विटिगेलाइट। डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ विटिगेलाइट। और सी आपको चुपचाप इट विटिक रिएक्शन दे देगा और ट्रांसल की। ठीक है बच्चों, ठीक है। या इसका इलाइट तो प्रिपेयर करना बहुत ही आसान है, तो वो तो सीधा बेस से रिएक्ट करा और ये आपका यहाँ से इलाइट प्रिपेयर हो जाता है। यस, एनी प्रॉब्लम इन दैट? प्लीज प्लीज टेल मी। Shall we move on? Shall we move on? Let's do the sulfur elide. Let's do the sulfur elide. ठीक है, तो सल्फर इलाइड की एक खास बात होती है, सल्फर इलाइड की एक खास बात होती है, जरा ध्यान से देखें। अगर मान लो पहला एलाइड अगर मैं ये वाला लेके चलूं, CH2- सल्फर R2, ये वाला एलाइड लेके, ध्यान से देखना क्या होगा कि यहां पे जैसे ही एल्डिहाइड आएगा, ध्यान से देखना है, ठीक है? तो
ये यहाँ अटैक करेगा, ये खुल जाएगा, जरा ध्यान से देखना, मैं इसका वो बना दे, ध्यान से देखना इसलिए। तो 100 हॉर्स बना, ध्यान से देखना इस चीज। अब अगर आप ध्यान से देखोगे कार्बन और फास्फोरस में, अगर आप ध्यान से देखोगे कार्बन और फास्फोरस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखोगे, फास्फोरस से ज्यादा है कार्बन की, कार्बन से ज्यादा है सल्फर की। यस यस, सल्फर की अब इसकी इतनी ज्यादा है तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग है वो सीधा का सीधा यहीं लाइक है। तो ओ नेगेटिव यही डायरेक्टली एंटी बॉन्डिंग में अटैक करता है और एस आर टू पॉजिटिव को लीव करवा देता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? पर अगर आप फास्फोरस के केस में वही देखोगे तो एंटी बॉन्डिंग वाज मोर लाइंग ऑन फास्फोरस साइड रेदर देन कार्बन साइड। यस तो यहां पे क्या बन गया, जरा ध्यान से देखिए। डू यू अंडरस्टैंड दिस अमाउंट? Do you understand this or not? Clear? Clear? क्लियर? क्या प्रोडक्ट आएगा जल्दी बताइए। तो इट इज लाइक, अगर आप ध्यान से देखो, इट इज लाइक ये बॉन्ड टूटा और दोनों के बीच में ऐसे CH2 घुसा है ना, ये बॉन्ड टूट के। यस तो वही होता है, देखो तो प्रोडक्ट बड़े आराम से यहाँ पे। यस यस Which is equivalent to this. चलेगा? अरे चलेगा, तो ये CH2 इंसर्शन के काम आ रहा है, ये CH2 इंसर्शन के काम आ रहा है। ठीक, तो बच्चा होता क्या है जरा ध्यान से देखना इस। ये मैं गेट का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ठीक, ये मैं गेट का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ध्यान से। कॉन्जुगेटेड कीटोन है, देखो अगर आप
एच टू माइनस सल्फर प्लस आर टू से कराओगे तो क्या होगा? और आप इससे कराओगे तो क्या होगा? ध्यान से देखना, ये सी डबल बॉन्ड सी पे अटैक करता है, ये अटैक करता है सी डबल बॉन्ड ओ पे, तो ये हमें देता है केसीपी और ये हमें देता है टीसीपी। चलेगा? अरे चलेगा, आपको भी पता है क्यों देगा, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज यहां पे स्टेबलाइज्ड है, तो भाई ये तो टीसीपी प्रोडक्ट ही देगा ना, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना। तो यहां पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ये अटैक करेगा यहां, दिस इज नॉट अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, दिस इज नॉट अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, दिस इज नॉट अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। स्टिल यहां पे जबरदस्ती एंट्रोपी के कारण जबरदस्ती अटैक करके हीट करके हम लोग यहां से निकाल, ये प्रोडक्ट मिलता है आपको। और अगर आप यहां से अटैक करवाते हो तो इट गोज लाइक दिस, अच्छा यहां पे भी आ रहा है। एक सेकेंड मुझे देख लेना, तो एक सेकेंड मुझे देख लेना, कैसा है? ऐसा है, ये सल्फो ऑक्सोनियम जो होता है वो ऐसे होता है, ठीक है? प्लीज प्लीज सी, ऐसा होता है। ये प्लस चार्ज होता है, मैंने शायद पहली बार में भी नहीं बनाया था प्लस चार्ज, हाँ कहीं गलती कर दी थी, लग ही रहा था। हाँ यहां पे भी प्लस चार्ज बना, ठीक है बेटा बनेगा, ठीक है प्लीज प्लस चार्ज बना, है ना? ठीक, तो नाउ इट विल कम बैक,
एंड यहाँ अटैक करेंगे तो ये बॉन्ड लीव कर एंड इट विल बी लाइक दिस. यस यस कोई दिक्कत बच्चा? कोई दिक्कत? तो कब कहां पे क्या प्रोडक्ट मिलना है समझ में आया? अगर मैंने आपको ऐसे दे रखा है तो यहां आपको मस्त यहां पे CH2 इंसर्ट होगा, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो यहां पे इपॉक्साइड बन जाएगा. क्लियर? क्लियर? यहां पे ये कैसा लगा? कैसा लगा? कैसा लगा बच्चों? चलो ठीक है, विभूति और शुभश्री को तो अच्छा लगा कम से कम, मैं इसी से खुश हूँ. ठीक है, शुभश्री खत्म हो गई, लाइट केमिस्ट्री, इलाइट केमिस्ट्री खत्म हो गई है. विभूति शुभश्री इतनी ही होती है, ठीक है, इससे ज्यादा इलाइट हमें नहीं पढ़नी है. अब हमारी बस ओलेफिनेशन रिएक्शन रह गई है, पीटरसन ओलेफिनेशन और जूलिया ओलेफिनेशन. हाँ हार दोनों ने रिंग प्रोडक्ट दिए. अच्छा तुम्हें भी अच्छा लगा, तुम्हें भी अच्छा लगा. अब बस बच्चा हमारे पास जो बचा है वो सिर्फ और सिर्फ रह गए हैं ओलेफिनेशन रिएक्शन. उसके बाद ओलेफिनेशन खत्म होते ही हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ मूव कर जाएंगे, वो हमारा लास्ट होगा. तो मैक्सिमम आप लोगों की जो क्लासेस बची हैं वो 3 क्लासेस बची हैं पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. तो सही है इतना? हाँ अरुण, हाँ हाँ. एक ने इपॉक्साइड बनाता है, एक साइक्लोप्रोपेन बनाता है. एक इपॉक्साइड बनाता है, एक साइक्लोप्रोपेन बनाता है. चलिए अन अकेडमी ज्वाइन करना है क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलती है डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस.
हमारी आप फ्री लाइव क्लासेस भी जाके देख सकते हैं अन अकेडमी पे, बस हमें फॉलो करना है। हमारी ये सारी ऑर्गेनिक फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी कोऑर्डिनेशन बहुत कुछ पढ़ा रखा है, सब जाके देख सकते हैं ठीक है। और प्लस कोर्सेज भी हैं, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन लेते हुए हमेशा अमितस लगाना है, अमितस लगाते ही आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, और 10% ऑफ मिलने के बाद 12 महीने की फीस हो जाएगी 9,000, 24 महीने की फीस हो जाएगी 10,000। साथ ही साथ ये आप हमारा टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले, और अमितस को जरूर याद ना। हाँ सुभश्री, हाँ नेम रिएक्शन पूरा हो जाएगा, सुभश्री नेम रिएक्शन पूरा हो जाएगा। क्यों अच्छा नहीं लग रहा? हाँ मुझे पता है, ऐसा लगता है ना जैसे सपना है, जैसे ये सपना है। नेम रिएक्शन जनरली पूरा होता नहीं है। हाँ मतलब मैंने बड़ी करके मैं पढ़ाता नहीं, तो आपको पता है विभूति, बड़ी करके मैं पढ़ाता ही नहीं कोई चीज, सब चीजें ऑब्वियस ही होती हैं अगर आपको आती हैं तो। बड़ी करके तो मैं पढ़ाता नहीं, है ना। हाँ मैं बेस बनाने में समय लेता हूँ। अरुण यार अगर इसमें से नहीं आएगा तो और किसमें से आएगा आप बताओ मुझे, इसमें से नहीं आएगा तो और किसमें से आएगा आप बताओ मुझे। इतने सारे एग्जाम्पल, इतनी गजब गजब बुक्स पढ़ा रहा हूं, और कहां से आएगा? तो आपको ये पढ़ के ना ज्वेफल सॉल्व करनी है, आपको ये पढ़ के ज्वेफल सॉल्व करनी है बस, आपको ये पढ़ के ज्वेफल सॉल्व कर लो, अगर समय बचे तो कैरोथर भी सॉल्व कर लो बस, और इसके बाद कुछ नहीं करना। क्लेटन सारी की सारी मैं ही करवाऊंगा, और जैसे ये नेट खत्म हो जाएगा ना बच्चा, तो मैं आप लोगों की 20 प्रैक्टिस क्लासेस लूंगा, 20 प्रैक्टिस क्लासेस लूंगा ऑर्गेनिक की, रिएक्शन मैकेनिज्म प्लस नहीं। ठीक, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे। अब क्वेश्चन पीवाईक्यू भी होंगे और नए भी होंगे, चलेगा? पर ऑर्गेनिक भारी सी तो नहीं लग रही अब ऑर्गेनिक भारी सी तो नहीं लग रही, कम से कम हमने बड़े प्यार से, एक्चुअली अगर मेरी तबीयत खराब नहीं हुई होती ना बच्चा, तो हम लोग 10 दिन पहले ही सब कुछ खत्म कर चुके हैं, हम लोग 10 दिन पहले ही सब कुछ खत्म कर चुके होते हैं अगर मेरी तबीयत नहीं खराब हुई होती। ये तो तबीयत खराब होने के नाते अंदर से पढ़ाया नहीं जा रहा था, है ना, तो इसलिए इतना खिंच गया। तो सुभाश्री मैंने बोला था ना कि जब फिजिकल वाला टीचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएगा, पर उसको आनी चाहिए तो मजा आ जाएगा। तो मजा आया कि नहीं आया? तो मजा आया ना, मैं अपने वादों पे खरा तो उतरा ना। आप लोगों को ऐसा तो नहीं हुआ आए? हाँ बेटा चलो ठीक है, मतलब मैंने ऐसा तो नहीं, खाना पूर्ति तो नहीं करी अपनी तरफ से, बहुत मेहनत करके आता हूँ आप लोग, ठीक है चलिए ठीक है।
मिलते हैं अभी 7 बजे, 7 बजे नहीं 7:30 बजे क्लास स्टार्ट होगी ऑर्गेनो मेटालिक्स की, 7:30 बजे आना होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा अभी आराम कर लूँ, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है बच्चा, 7:30 बजे ऑर्गेनो मेटालिक्स की क्लास स्टार्ट होगी, तो वहीं मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।